मेरा नाम है फैज। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस एप्लीकेशन को पहले से ही जानते हैं तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और हाँ, अगर आप इस एप्लीकेशन को नहीं जानते तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये एक वीडियो एडिटर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपनी फोटोज वगैरह एडिट कर सकते हो इस एप्लीकेशन में वीडियो के रूप में। और हाँ, आप इस एप्लीकेशन में अपनी वीडियोज वगैरह भी एडिटिंग कर सकते हैं जी दोस्तों। और ये एप्लीकेशन विदाउट वाटर मार्क है जी हाँ दोस्तों। इस एप्लीकेशन पर आपको कोई भी इस एप्लीकेशन का नाम वगैरह जी हाँ दोस्तों आपको नहीं मिलेगा एडिटिंग करते वक्त जी हाँ दोस्तों। और ये एप्लीकेशन जी हाँ दोस्तों बिल्कुल फ्री है। इस एप्लीकेशन को आप कैसे इस्तेमाल कर पाओगे और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप किस किस टाइप की वीडियोस बना सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस एप्लीकेशन के थ्रू मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों, आपने वीडियो देख ली कि इस टाइप की वीडियो अगर आपको जी हाँ दोस्तों पसंद आती है और आपको इस टाइप की वीडियोस बनानी है अपनी जी हाँ दोस्तों, तो आप कैसे बना पाओगे। चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो जी हाँ दोस्तों अपने मोबाइल में। और ये एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना जी हाँ दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन को आप कैसे इस्तेमाल कर पाओगे, इस एप्लीकेशन पर कैसे आप अपनी वीडियोस बना पाओगे जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन को पहली बार देख रहे हैं तो ये एप्लीकेशन आप देख लीजिए। ये एप्लीकेशन आपको सिंपली प्ले स्टोर पर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। और अगर आप इस एप्लीकेशन को पहले से ही जानते हैं और आप इस एप्लीकेशन पर अपनी वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इस एप्लीकेशन को ओपन। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा अगर आप इस एप्लीकेशन को पहली बार डाउनलोड करते हो तो। तो यहाँ पर एक्सेप्ट आपको कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर अलाउ के बटन पर आपको क्लिक करना है जी हाँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने मोबाइल की गैलरी में आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जी हाँ दोस्तों पहले तो वीडियोज़ वगैरह आ जाएंगी आपकी गैलरी की। आपको क्या करना है, अगर आपने फ़ोटोज़ वगैरह बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, आपको सिंपली यहाँ पर फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह आ जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अपनी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटोज़ कुछ सेलेक्ट करता हूँ जी हाँ दोस्तों, आपको दिखा दूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने कुछ इस तरह से 4 फ़ोटोज़ यहाँ पर ऐड कर दिए हैं जी हाँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऐड वाले बटन पर आपको कर देना है प्रेस। इस पर जैसे ही प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जी हाँ दोस्तों। यहाँ पर आपकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह इस तरह इस टाइप से आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली जी हाँ दोस्तों आपको अपनी फ़ोटो पर इस तरह जैसे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर नीचे नीचे ऑप्शंस आ गए हैं जी हाँ दोस्तों। तो यहाँ एनिमेशन वाले ऑप्शन पर आपको करना है प्रेस। इस पर जैसे ही प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर आपको जी हाँ दोस्तों सबसे जी हाँ दोस्तों जो आखिर में है यहाँ पर कॉम्बो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत जी हाँ दोस्तों इफ़ेक्ट आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी इफ़ेक्ट लगाना हो, लेकिन इस वक्त इस एप्लीकेशन का एक ही इफ़ेक्ट जो है वो ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। वो कौन सा इफ़ेक्ट है, उसका नाम क्या है, वो भी चलिए आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं वो वाला इफ़ेक्ट आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ कौन सा इफ़ेक्ट है वो। तो यहाँ पर नीचे लिस्ट में आपको मैं दिखाता हूँ उस इफ़ेक्ट का नाम। तो यहाँ पर इस इफ़ेक्ट का नाम आप देख सकते हैं बिस्किट 2 जी हाँ दोस्तों। इस टाइप से इस एप्लीकेशन में जी हाँ दोस्तों इस इफ़ेक्ट का नाम है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बिस्किट 2 यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन है, इसको आपको कर देना है इस पर क्लिक जी हाँ दोस्तों। तो ये इफ़ेक्ट कुछ इस टाइप से जी हाँ दोस्तों, यही इफ़ेक्ट आप ढूंढ रहे होंगे शायद अगर आप मेरे इस वीडियो पर आए हैं तो। तो यहाँ पर ये वाला इफ़ेक्ट आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस बटन पर कर देना है प्रेस। इस पर जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी वीडियो आधी बन गई जी हाँ दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरी आपको फ़ोटो पर जी हाँ दोस्तों इस तरह से दोबारा क्लिक कर देना है। दोबारा इस एनिमेशन वाले ऑप्शन पर जाना है और दोबारा इस कॉम्बो वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको और कोई ऑप्शन जी हाँ दोस्तों यहाँ से और कोई इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इस वाले इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से इफ़ेक्ट सेलेक्ट करके आप अपनी वीडियो और भी प्रोफेशनल जी हाँ दोस्तों बना सकते हो जी हाँ दोस्तों। तो यहाँ पर
यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट में। आप अपनी फ़ोटो में जितने इफेक्ट ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसलिए यहाँ पर लोडिंग होने में थोड़ी देर हो रही है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर एक इफेक्ट मैंने लगा दिया है। फिर दोबारा आपको यहाँ पर इस बटन पर कर देना है प्रेस। उसके बाद दोबारा आपकी जान दोस्तों ये दूसरी फ़ोटो पर भी इफेक्ट लग गया है। अब आपको अपनी तीसरी फ़ोटो पर इफेक्ट लगाना है, तो उस पर भी आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। दोबारा इफेक्ट में जाना है, एनिमेशन में जाना है सॉरी, और यहाँ पर आपको कॉम्बर पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से दूसरा कोई इफेक्ट आपको सेलेक्ट लगा देना है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आपको इफेक्ट लगाना है। उसके बाद यहाँ पर डन कर देना है। उसके बाद दोबारा आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर देनी है, दोबारा आपको एनिमेशन में जाना है, और यहाँ से दोबारा आपको कोई ना कोई एक जी हाँ दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इफेक्ट हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने बैकग्राउंड में जी हाँ दोस्तों म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे, और नीचे यहाँ पर जी हाँ दोस्तों साउंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नीचे साउंड पर आपको क्लिक कर देना है। साउंड पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जी हाँ दोस्तों म्यूज़िक वगैरह आ जाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी मोबाइल की गैलरी में अगर जाना चाहते हैं, आपके पास कोई अच्छा सा म्यूज़िक पड़ा है, तो वहाँ से आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से आप अपने मोबाइल की गैलरी में से भी जी हाँ दोस्तों कोई ना कोई एक अच्छी रिंगटोन अपनी फ़ोटोज़ में बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन में दिए हुए हैं जी हाँ दोस्तों कुछ म्यूज़िक्स, तो यहाँ से कोई एक म्यूज़िक सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके लिए फिर आपको दिखाता हूँ कैसे आपको कर देना है। आपको क्या करना है, सिंपल है जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किसी भी एक म्यूज़िक पर कर देना है क्लिक। इस तरह से जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो म्यूज़िक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लोडिंग की शक्ल में, लेकिन यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है ये म्यूज़िक। तो देखते हैं कैसे डाउनलोड होता है, फिर आपको लगाना कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये म्यूज़िक आ चुका है, तो यहाँ पर आपको इस प्लस वाले आइकन पर कर देना है प्रेस। इस पर जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जी हाँ दोस्तों दोबारा अपनी उंगली से टैप कर देना है, दोबारा से टैप कर देना है, और यहाँ पर ये म्यूज़िक जो है ये आपकी फ़ोटो में जी हाँ दोस्तों बैकग्राउंड में लग चुका है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से प्ले करके देखना है लगा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट में जो है इस एप्लीकेशन का जी हाँ दोस्तों वाटरमार्क आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, इस वाटरमार्क पर इस तरह से ऐसे क्लिक कर देना, और यहाँ पर नीचे डिलीट का ऑप्शन आ गया है जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डिलीट कर देना है इसको। इसको जैसे डिलीट करेंगे तो यहाँ पर आपकी ये वीडियो जो है बनकर तैयार हो चुकी है। उसके बाद आपको इसको सेव कैसे करना है, यहाँ पर कोने में जी हाँ दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको तीर का जी हाँ दोस्तों, इस पर आपको कर देना है इस तरह से प्रेस। इस पर जैसे प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है इन ऑप्शंस को, आपको सिंपली यहाँ पर एक्सपोर्ट के बटन पर कर देना है प्रेस। इस पर जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से जी हाँ दोस्तों आपकी जो वीडियो होगी वो एक्सपोर्ट होगी जी हाँ दोस्तों। तो यहाँ पर ये वीडियो एक्सपोर्ट होगी, उसके बाद आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में मुझसे और भी कुछ पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और हाँ अगर आपको इस एप्लीकेशन में कोई और मसला भी आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पर, और हाँ वहाँ पर मैं ऑनलाइन भी होता हूँ, जो भी आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे पूछ सकते हैं जी हाँ दोस्तों, रिप्लाई ज़रूर से आएगा। तो मिलता हूँ आपको यार फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।